हेलो एवरीवन, आज मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन बताऊंगी। ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें हमें 5 ओम का रेसिस्टर जो दिया हुआ है इसके थ्रू करंट फाइंड आउट करनी है। तो दो मेथड आपको बता रही हूँ आज मैं। थेवेनिन थ्योरम से भी हम इसे सॉल्व करेंगे और नॉर्टन थ्योरम से भी सॉल्व करेंगे कि कोई भी सर्किट अगर हमें दिया होता है तो हमें उसको कैसे सॉल्व करते हैं, थेवेनिन से और नॉर्टन से। तो पहले हम थेवेनिन से शुरू करते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम में पहला स्टेप क्या है, रिमूव द लोड। तो लोड क्या होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पहली वीडियो में भी, कि जिसके अक्रॉस हमें करंट फाइंड आउट करनी होती है वही लोड होता है। तो सबसे पहले हम इसे रिमूव कर देंगे लोड को। तो ये डायग्राम दोबारा से बिल्कुल मैंने सेम बना लिया, यहाँ से लोड रिमूव कर दिया। तो ये ओपन टर्मिनल हो गए, ओपन टर्मिनल के बीच में हम वोल्टेज फाइंड आउट कर लेंगे, यही वोल्टेज हमारी थेवेनिन वोल्टेज होगी। तो हम थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करना है हमारा सबसे पहले। ये हमें थेवेनिन वोल्टेज हम ओम के नियम से, केवीएल से, किसी भी तरह से, जो भी आपको मेथड इजी लगता है उससे निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ केवीएल से निकाला है, ठीक है। तो केवीएल में ये क्लोज लूप है, ये ओपन लूप है। तो पहले क्लोज लूप में गए हम, ये क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप में हमने केवीएल लिया, तो 4i + 3i = 9 इस वाले में लगाया क्योंकि क्लोज है, तो आई की वैल्यू आ गई दिस, ठीक है। अब VTH हमें निकालना है, VTH किसके बराबर होगा, जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वही अक्रॉस इसके वोल्टेज होगी, यानी कि I × R, यानी कि 3 ओम के अक्रॉस जो हमारी वोल्टेज होगी वही। तो I × R, R हमने 3 लिया, I का मान हमने अभी निकाला, तो VTH हमारा ये आ गया 27/7 volt। अब हम स्टेप 2 में आएंगे, हमें निकालना है RTH। RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमने सर्किट बनाया था, अब इसमें जहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स होगा तो उसे शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स होगा तो ओपन कर देंगे। कोई भी करंट सोर्स नहीं है, केवल वोल्टेज सोर्स है, तो इसे हम शॉर्ट कर दिया हमने यहाँ पे, और ये डायग्राम को फिर से बना लिया। अब हम लोड की तरफ से देखेंगे, इधर से देखेंगे, और टोटल रेसिस्टेंस निकाल देंगे इसका। अब इधर से देख रहे हैं तो करंट, अगर हम यहाँ से चलेंगे तो करंट यहाँ जाएगी और यहाँ डिवाइड हो जाएगी, यानी कि दोनों पैरेलल में है, और जो पैरेलल में होके आएगा वो इसके सीरीज में है। तो हमने निकाल दिया 6+4 parallel 3, इसको जोड़ दिया, 54/7 ohm हमारा RTH आ गया। थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा थेवेनिन में, VTH, RTH, RL, ये पूरा सर्किट दोबारा बना लेंगे। ये थेवेनिन सर्किट है हमारा, इसको बोलते हैं थेवेनिन सर्किट। VTH जिसमें सीरीज में RTH होता है, और RL जो हमने हटाया था सबसे पहले। तो RL का मान हमें पता ही है क्योंकि हमने जो रिमूव करा था लोड 5 ओम, RTH हमने निकाल लिया, VTH हमने निकाल लिया। अब हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, I = VTH / ये ओम के नियम वाला फॉर्मूला ही है, V = IR। VTH का मान हमने रखा, RTH का रखा, RL का रखा, इन्हें सोल्व करा, सोल्व करके हमारा आ गया 0.303 एम्पियर करंट आ गई। तो हमें क्या निकालनी थी, फाइंड द करंट थ्रू 5 ओम रेसिस्टर बाय थेवेनिन थ्योरम हमने निकाल दी। अब हम इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को बाय नॉर्टन थ्योरम सॉल्व करेंगे, और हमारा तब भी करंट की वैल्यू यही आएगी। तो अब हम नॉर्टन थ्योरम से देखते हैं। हमने ये सर्किट दोबारा ड्रॉ कर लिया, ये वाला सर्किट है। अब नॉर्टन थ्योरम में क्या करते हैं, पहले उसमें था रिमूव लोड, ठीक है। इसमें हम रिमूव को लोड ना करके लोड को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो हम ये वाला डायग्राम फिर से बना लेंगे, और यहाँ पे लोड को हम शॉर्ट सर्किट कर लेंगे। ये आप ध्यान दीजिए, इसमें ये हमने शॉर्ट सर्किट कर लिया, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट सर्किट हमने करा है, इसमें जो शॉर्ट सर्किट लाइन में जो करंट फ्लो रही है, हमें वो निकालनी है IN, नॉर्टन थ्योरम से जो करंट निकलेगी, नॉर्टन करंट, ठीक है। तो ये नॉर्टन करंट होगी, IN निकालना है। अब हमने फिर इसमें लगाया KVL, लगाया 4i + 3i। अब इस वाले में दो करंट आ रही है, इसकी है क्योंकि ये भी क्लोज सर्किट है, वहाँ पे तो ओपन था, अब यहाँ तो दोनों क्लोज है, तो एक करंट ये आ रही है IN, ये आई, तो 3i - IN, ठीक है, दो करंट हो गई = KVL लगा दिया, फिर इसको जोड़ा 7i - 3IN = 9, पहली इक्वेशन आ गई। फिर अब हम इस लूप में चलेंगे, 6i IN क्योंकि इसमें IN चल रही है, +3IN और इसमें -i, इधर वाली करंट को माइनस करेंगे क्योंकि अब हमारी इस लूप में चल रहे हैं, तो ये वाली डायरेक्शन फॉलो करेंगे। तो 6IN + 3IN - 3i = 0, IN का = आया i/3,
इस i बाय थ्री यानी कि i बराबर थ्री एन को हमने इधर रख लिया, इसमें i बराबर थ्री एन, इसे सोल्व करा तो आई एन आ गया हमारा 1/2 एम्पियर। अब एक चीज ध्यान रखने वाली ये है, जो हम RTH निकालते हैं थेवेनिन रेसिस्टेंस और नॉर्टन रेसिस्टेंस, वो दोनों सेम ही होते हैं, सेम ही न्यूमेरिकल है हमारा, तो दोनों का इसका मतलब RTH हमारा सेम होगा जो RN हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। अब हम बनाएंगे नॉर्टन सर्किट। नॉर्टन सर्किट क्या है हमारा थर्ड स्टेप में, इसमें हमारा करंट सोर्स हो जाएगा, उसमें वोल्टेज सोर्स था, इसमें करंट सोर्स हो जाएगा, उसमें रेसिस्टेंस सीरीज में था, इसमें पैरेलल में हो जाएगा, और RL। तो IL निकालेंगे, करंट डिवाइडर रूल वाला फॉर्मूला लग जाता है इसमें, ये फॉर्मूला होता है, ये करंट डिवाइडर रूल भी कहलाता है, टोटल करंट इनटू जिसके थ्रू हमें करंट निकालनी है उसके अपोजिट वाला रेसिस्टेंस अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। तो IN का मान हमारा 1/2 अभी आया, RN का मान वही RTH वाला और RL का 5। इसको सोल्व करा, सेम हमारा ये आ गया 0.303। तो जो भी कोई सर्किट है अगर हमें सेम वैल्यू निकालनी है तो हम चाहे थेवेनिन से सोल्व करें, चाहे नॉर्टन से करें, चाहे हम सिंपल KVL भी लगा सकते हैं सर्किट में, तो जो भी हम इसमें लगाएंगे हमारी वैल्यू करंट की सेम आएगी, ठीक है। अभी भी कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, थैंक यू।